भारत में जहां पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती पर जगह जगह स्वच्छता अभियान चला रहा था, वहीं पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह कूड़ा फैल रहा था, जो कि देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को धूलमिल करता नजर आया, क्योंकि लगातार निगम की सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं लोग साफ सफाई में अपना योगदान देने की बजाय सरकारों को कोसते हुए नजर आए। लोगों की माने तो इस कूड़े के ढेरों के लिए प्रशासन के साथ साथ आमजन भी जिम्मेदार है। स्वच्छता अभियान पर सरकारों के प्रतिनिधि एक दूसरे को दोष तो देते नजर आए, मगर इस समस्या का कोई हल निकालने की जुगत में नहीं दिखा। प्रतिनिधियों का क्या कहना है, आप स्वयं सुनिए। पखवाड़ा ये चलेगा गांधी जयंती के अवसर पर, प्रधानमंत्री खुद आग्रह कर रहे हैं, उनका बयान पढ़ लीजिए, सब अधिकारी लगे, सब नेता लगे, सब ये लगे। उस वक्त निगम में बैठे हुए सोए हुए नेता हड़ताल करवा रहे हैं, ये कहां तक जाए? पक्का करने के लिए माप तोल होता, पक्का नहीं करे उनको, पक्का करने में क्या दिक्कत है इनको? 21 दिन तक दिल्ली की जनता को, पूर्वी दिल्ली की जनता को सड़ने दिया, क्यों नहीं कहा उसका ट्रांसफर करिए, क्यों नहीं एलजी के पास गए? कमिश्नर अगर नहीं मान रहे थे तो तुम किस लिए बैठे हो यहाँ पर? 12 साल से तुम सत्ता में हो, कमिश्नर तुम्हारी बात नहीं मान रहा। शुक्रवार को तुम्हारा कमिश्नर से झगड़ा हुआ है, ये बात पहले भी हो सकती थी आज से 5 दिन पहले। पहली बार सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं, टीचर्स को तनख्वाह नहीं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं। 15 साल हमने भी दिल्ली में राज किया, कभी आज तक तनख्वाह के लिए हड़ताल नहीं हुई। और जो आज स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान पूर्वी दिल्ली में उठाकर देख लो, केंद्र सरकार का, मोदी जी का, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, नाली साफ नहीं हो रही, नाले साफ नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ जो स्वच्छता अभियान जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये नाम के लिए रह गया है, करोड़ों रुपये से वेस्ट किया गया है। ये करोड़ों रुपये बचा के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दो, ताकि ये कूड़े के ढेर उठ सके और सफाई हो सके। अधिकारी के कारण हमारा पूरा ये क्षेत्र उसकी जिद के कारण कूड़े से भरा पड़ा है। हमने उसका भी अंततः निदान निकाल लिया है, उनको सजा भी मिली है जिन्होंने एक साजिश के तहत, और वो साजिश अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हुई है। अरविंद केजरीवाल हर तरह से नरेंद्र मोदी जी के हर पॉजिटिव सोच का विरोध करते हैं, और ये तो हद हो गई कि एक निगम के अधिकारी को मिलाकर सड़कों पे कूड़ा तक फैलवाना और सफाई कर्मचारियों की बात को ना सुनना, उनको ऊपर से सस्पेंड करने का ऑर्डर देना, ये सारा एक ऐसा साजिश हुआ। इस सब को हम 2 अक्टूबर से जोड़ के देखते हैं कि अगर जनता के हित के साथ आप अड़ोगे, अगर सफाई कर्मचारियों का अहित करने के लिए अड़ोगे, लड़ोगे, तो मैं ये निगम के तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हम अरविंद केजरीवाल के किसी भी साजिश को नाकाम करके रहेंगे, इसका हम आज गांधी जयंती पे प्रतिज्ञा करते हैं। अगर इसी तरह जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहे तो महामारी मलेरिया, डेंगू, डायरिया इत्यादि रोग पूर्वी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। वहीं स्वच्छता रैंकिंग की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली की स्वच्छता रैंकिंग इतनी कम है, और हड़ताल के बाद तो पूर्वी दिल्ली कूड़े के ढेर पर ही बैठ गई है। गलियों से लेकर सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। किस तरह कूड़ा लोगों की मुसीबत बन चुका है, उनका जीना बदतर हो गया है, आप स्वयं सुनिए। कूड़ा सड़ रहा है, पब्लिक बीमार होने के कगार पे है, और ये इन दोनों हाथियों की लड़ाई में झुंडों का नाश है। अभियान तो आज भी चल रहा है, प्रधानमंत्री भी चला रहे हैं, तो उसकी हालत है, पूरी दिल्ली की हालत आप देख लो। स्वच्छ अभियान है, बीमारी फैलने की स्थिति है, मच्छर हो रहे हैं, मक्खी हो रही है, कीड़े हो गए, चूहे मरे पड़े हैं, हाँ इसमें ज़्यादा फ्लैट के कीटाणु और पैदा हो गए। जमुना पार में गंदगी बहुत हो रही है, कोई सफाई अभियान नहीं हो रहा है, और केजरीवाल मोदी पर ताना ना ताना है, और मोदी जी केजरीवाल पर पब्लिक की कोई नेता सुनवाई नहीं कर रहा है। कृपा करके किसके पास हम जाएं, किसके पास एप्लीकेशन दें जो यहाँ का सफाई अभियान जारी करवाए जल्दी से जल्दी। बहुत बेकार हो रही है, लोग बाग काफ़ी बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में बीमार पड़े हैं, उनका भी इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। जनता की माने तो इसी तरह सरकारें करती रहीं, और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाकर हड़ताल नहीं खुलवाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब लोग दिल्ली से गांव की ओर पलायन करने लगेंगे। संदीप कुमार के साथ दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।
ऑडियो जंगल।